होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आप देख रहे हो ब्यूटीफुल यू एंड मी। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग समझ ही जाओगे थंबनेल देखकर कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। और ये DIY अंडर आर्म्स स्क्रब है, ये बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। और आप इसको ना आप इसको 8 ईयर का आपका बच्चा है तो उसका अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा ब्लैक से हो रहे हैं या फिर आपके हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो फ्रेंड। और ये इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, बहुत ही भीनी सी आती रहेगी। अगर आपको स्वेटिंग भी हो रही है ना अंडर आर्म्स में तो आप इस तरह से देखोगे ना तो भी आपको पता चली जाएगा कि हाँ, इससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। और आपके अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं उन पर भी फ़ायदा करेगा ये जो मैंने स्क्रब बनाया है। और आप अगर इसको एज अ स्क्रब के हिसाब से लगाते हो तो आपकी जितनी भी डेड स्किन होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, 2-in-1 काम करता है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बदबू आती है आपके पसीने में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक है आपके अंडर आर्म्स, तो बहुत ही अच्छा है ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो आपको ये पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, और आप इसको पूरा देखिए तो ही आपको समझ में आने वाला है ये। मैं आपको अच्छे से बात कर दो बार बोल चुकी हूँ तो आप डेफिनेटली इसको देखिए। और चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है, किस तरह से यूज़ भी किया है। फ्रेंड्स, मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एक अंडर आर्म्स, ये है डिओडोरेंट बताने जा रही हूँ मैं। तो डिओडोरेंट के लिए मुझे लेना है, ये देखिए मैं चावल का आटा ले रही हूँ, इतना ही ले रही हूँ, 1 स्पून के करीब, इतना ही काफ़ी होगा क्योंकि अंडर आर्म्स के लिए और ज़्यादा नहीं लगेगा। इसके बाद मैं लूँगी हनी लूँगी मैं 1 स्पून के करीब, 1 या 1/2 ले लीजिए। तो ये है डाबर का हनी, और अंडर आर्म्स आपके ड्राई ना हो जाए इस वजह से मैं ये हनी ले रही हूँ। उसके बाद मैं लूँगी लेमन का जूस लूँगी। और अगर आपके अंडर आर्म्स से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बदबू बहुत ज़्यादा आती है ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वीडियो। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ये काम करता है, यकीन मानिए आप ज़रूर करिएगा इसको, एक बार ज़रूर करके देखिए कि आपको ये फ़ायदा देता है या नहीं। तो ये लेकिन बहुत ही अच्छे से आपको ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है और इस तरह से स्क्रब करना है कि आपकी जो अंडर आर्म्स की जो ड्राइनेस होगी, मतलब अगर ब्लैक है आपका अंडर आर्म्स तो वो भी इससे रिमूव हो जाएगा। आप इसको थोड़ी देर के लिए रखना है लगाकर, 10 से 15 मिनट आप लगा के रख सकते हो, नहीं तो आप स्क्रब भी करते रहिए तो अच्छे से आपका स्क्रब भी हो जाएगा। आपका जो अंडर आर्म्स ब्लैक हुए हैं तो वो भी धीरे धीरे आपके जो कलर आपका है स्किन का वो उस तरह का हो जाएगा, और आपके जो अंडर आर्म्स में बदबू आती है वो भी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, इसको आपको लगाना कैसे है, बस लगाकर 10 से 15 मिनट जैसे आप फेस पैक वगैरह लगाते हो उस तरह से इसको यूज़ करना है। और मैंने राइस फ्लावर इसलिए लिया है क्योंकि आपके आप जानते हो राइस फ्लावर कितना अच्छा होता है स्किन के लिए, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देता है, तो अंडर आर्म्स भी आपके वाइटर हो जाएंगे। और अगर आपकी अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा लाइनिंग सी है ना तो वो भी इससे रिमूव हो जाएंगी। तो चलिए फटाफट से दिखाती हूँ मैं किस तरह से इसको लगाना है। तो फ्रेंड्स, आप इसको बच्चों को भी यूज़ कर सकते हो, और आप मैं हैंड पर आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो 15 मिनट के लिए मैं अपने हैंड पर लगा के रखूँगी, उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको लगा लेना है, और थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लगा कर ही रखें, आप इस तरह से रब करके भी आप निकाल सकते हो। इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से आपको करना है, लाइट वेट हैंड से करना है आपको। तो इस तरह से आप रब करते रहिए, 5-10 मिनट आप रब करोगे तो भी बहुत अच्छे से आपका जो आपके बदबू है अंडर आर्म्स में वो नहीं आएगी। आपके हैंड्स पर मैं लगाकर, अपने हैंड्स पर मैं लगाकर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अंडर आर्म्स पर इतना ज़रूरी नहीं समझती हूँ लगाकर दिखाना, और ज़रूरी नहीं है कि अंडर आर्म्स पर ही मैं लगाऊँ, तो इसलिए मैं हैंड पर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह लगाकर आपको छोड़ देना है 5 से 10 मिनट। तो 10 से 15 मिनट बाद मैं मिलती हूँ आपको, 10 मिनट बाद ही आपको बताती हूँ किस तरह से इसको निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसको इस तरह से रब करना है और फिर आपको इसको धुल देना है। तो देखिए कितना ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी लगा कर ऐसे रब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, अगर अंडरआर्म से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो आप ये वाला हैंड देखिए मेरा, और आप ये वाला हैंड देख सकते हो, ये देखिए कितना फ़र्क नज़र आ रहा है, ये देखिए आप, और ये वाला देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप DIY वाली चीज़ें यूज़ करते हो ना, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा और देखने नज़र आएगा आपको, कि पता चल ही जाएगा कि हाँ इससे थोड़ा तो फ़र्क पड़ा है। और आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो तो बहुत जल्दी जल्दी आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से पड़ता है असर, और आपको बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल लगने लगेंगे। तो आप यूज़ करके देखिए, और इस तरह से चलिए मैं वॉश कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मेरा हैंड, आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि कितना अच्छा दिख रहा है, और आप अंडर आर्म्स में लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से आपको रिजल्ट खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर आप नहीं हैंड से ऐसे करना चाहते हो तो किसी कपड़े, सूती कपड़े से भी आप इस तरह से कर सकते हो। और आप मेरा हाथ, ये वाला हैंड देख लीजिए और ये वाला देख लीजिए, तो बहुत ही अच्छे से पता चल ही जाएगा आपको कि ये कितना स्मूथ लग रहा है, और ड्राइनेस, और बिल्कुल स्क्रब जो करते हैं ना हम लोग, बॉडी स्क्रब करते हैं, तो उसका भी काम ये अच्छे से बखूबी करेगा। अगर आप चाहते हो इसको करना तो डेफिनेटली आप करिए, और कुछ भी ज़्यादा इतना चाहिए कुछ भी नहीं लगेगा आपका, सिर्फ घर में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं किचन में, वो सब आपको मिल ही जाएंगी, और आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो ये देखिए, तो कैसा लगा आपको, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप लोग इसको यूज़ करते रहते हो, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोगों की ना अंडरआर्म्स में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, बहुत से लोगों से मतलब स्मेल आती रहती है, और बहुत ज़्यादा ब्लैक से रहते हैं अंडरआर्म्स, तो उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपके जो अंडरआर्म्स के धीरे धीरे, ये जो आप रेगुलर इसको यूज़ करते हो ना स्क्रब को, तो आपकी डेफिनेटली ये जो बदबू है वो भी आपकी कम हो जाएगी, आएगी ही नहीं, और ब्लैक है तो ब्लैकनेस भी बिल्कुल चली जाएगी अगर आप इसको लगाते हो, क्योंकि तीनों ही चीज़ें इसमें बेस्ट हैं, और तीनों ही चीज़ें आपके फेस के लिए भी यूज़ होती हैं, आप इसको अंडरआर्म्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैंने इसमें बोला है ना, 8 साल के बच्चे भी है अगर आपका, और अगर आप लोग डीओ नहीं यूज़ करवाना चाहते हो, क्योंकि बच्चों को मैं यूज़ नहीं प्रेफर करती हूँ कि उनको डीओ हो गया या फिर कोई भी परफ्यूम हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए वो सेफ नहीं होता है। इस वजह से इस तरह की DIY जो डिओड्रेंट होते हैं वो यूज़ कर सकते हो बच्चों के लिए, और अपने लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको 2-in-1 काम हो जाते हैं, तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। और अगर आप लोग मेरे इस पर नहीं आते हो, तो मैंने इसको मतलब गूगल से ही सर्च किया है, तो और गूगल पर ऐसी ही ऐसी चीज़ें आती हैं ना, कि पता चल जाता है कि आपको किस तरह की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, किस चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि समर चल रहा है ना, तो समर में इस तरह की मतलब अगर आप नहीं जा रहे हो मार्केट, और लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय अगर आप लोगों के पास नहीं है डीओ और आप यूज़ करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बदबू आ रही है आपके शरीर से, तो बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देता है फ्रेंड। तो आप लोग डेफिनेटली इसको यूज़ कीजिए, और बच्चों का तो अभी आजकल घर में ही है, तो बच्चों को भी यूज़ करने के लिए बोलिए, और बच्चे आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे से ये आप इसको डेफिनेटली अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छा सा इसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और मैं बता रही हूँ इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है, मेरे कहने पर मत जाइए, आप एक बार टेस्ट करके देखिए, और आप इसको यूज करोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं, आप लोगों को नहीं प्रॉब्लम है तो भी आप इसको लगा सकते हो अगर आप चाहें तो, बहुत ही अच्छे से आपका स्किन पर बहुत अच्छे से वर्क करता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम, इचीनेस, कुछ भी ड्राइनेस, कुछ भी नहीं होगा, और आप इसको यूज़ करते रहिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलती ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग जाए तो शेयर भी कर सकते हो फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा फ्रेंड्स, तो उसको भी हिट कर लीजिएगा, और जैसे ही आप हिट करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, और आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, और बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, बाय।